आज पिहोवा में डेरा फतेह सिंह रोड पर स्थित बाबा केंदुवाल का दो दिवसीय सालाना मेला बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से समाज सेवी स्वर्गीय सोहन लाल सैनी की स्मृति में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रामेश्वर सैनी ने कहा कि रक्तदान महादान है। स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 माह बाद रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया रक्त असंख्य लोगों के जीवन को बचा सकता है। इसीलिए युवाओं को विशेष रूप से समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। जो ये ब्लड कैंप लगाया गया, ये स्वर्गीय श्री सोहन लाल भगत जी की याद में ब्लड कैंप लगाया गया है, जो आगे भी हर साल इसी तरह लगाया जाएगा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया इसमें। और साथ में पीर बाबे का उर्स भी है, कैंडू वाले पीर बाबे का, जिसमें दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुड़गांव से लोग आ रहे हैं, जिनकी मन मुरादें पूरी हो रही हैं। और हर साल ऐसे ही ब्लड कैंप लगाया जाएगा। आज पार्थ ब्लड बैंक की जो टीम है रक्त एकत्रित करी, और जिसमें कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल से भी टीम आई है, तो दोनों टीमों ने आज मिलके ब्लड एकत्रित किया है। और बाबा मान सिंह हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप की टीम आई है, जिसने आई आँखों का चेकअप किया है, दांतों का किया है, और मेडिसिन का, जिसको कोई दिक्कत थी एलर्जी किया वो सारा चेकअप किया। तो आज जो ये हमारी पीर राशिद मोहम्मद सेवा समिति पेवा है, इनके द्वारा इसका कैंप का संचालन किया जा रहा है, और इसमें सर्व समाज कल्याण सेवा समिति अपना सहयोग कर रही है, जो अभी तक 187 ब्लड डोनेशन कैंप कर चुकी है। ये 188वां रक्तदान शिविर सर्व समाज कल्याण सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है, और राशिद, ये जो पीर राशिद मोहम्मद सेवा समिति है, जो इसका संचालन कर रही है। खबर हमारे के लिए पीहोवा से संदीप मलिक की रिपोर्ट।